हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपका एचपी पटवारी का एग्ज़ाम था, तो आई होप आपका बहुत बढ़िया एग्ज़ाम रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन, जीके सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। जो आपका मैथ सेक्शन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपका प्यार हमें इस वीडियो में मिलता है तो हम बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाए। तो उसके लिए आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ करके शेयर एंड लाइक, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि अपनाना क्रिया किससे बनी है? तो फ्रेंड्स, अपनाना क्रिया जो है सर्वनाम से बनी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो मंद मंद क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, क्रिया विशेषण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देव जमा आल्य में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपकी दीर्घ संधि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर पाँच है, भाषा से तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर छः होगा, सूचक का समानार्थक शब्द होगा? तो फ्रेंड्स, सूचक का समानार्थक शब्द होता है घोतक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, कला निधि का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राकेश चंद्रमा को जो है राकेश कला निधि भी कहते हैं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर आठ होगा, धर्माधर्म समास है? तो फ्रेंड्स, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपका द्वंद समास आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी द्वंद समास नहीं है, तो इसमें डाउट है, इसे आप ना गिने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट। तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, पेड़ से कई आम गिरे? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फ्रेंड्स आपका अपादान कारक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर दस है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परुष। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रिच का विलोमार्थी शब्द है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पन प्रत्यय वाला शब्द है? तो फ्रेंड्स, बड़ापन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जंगम का विलोम होगा? तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, तो स्थावर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वैदिक संस्कृत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यह समस्या अत्यंत कठिन है, मैं अत्यंत क्या है? तो फ्रेंड्स, अत्यंत यहाँ पर आपका जो है प्रविशेषण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, आधा तीतर आधा बटेर होना क्या क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होगा आपका बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो 17 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है? तो फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य होगा आपके समा ऑप्शन नंबर सी, यह गाय का असली दूध है, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 होगा, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी, मैं किस परिवर्तन का उल्लेख है? तो बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी, पानी स्वाद और बोरी के शब्दों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, 19। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, अव्ययभी भाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भरपेट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स, उज्जवल बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है? तो फ्रेंड्स, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्ड वानल, द वानल को कहते हैं जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, एक होती है जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, जंगल में लगने वाली दबानल, और जो समुद्र में लगती है उसे बड़वानल। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, महाऋषि का संधि विच्छेद होगा? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी, महा जमा ऋषि बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए चौपाई। तो 24 का राइट आंसर होगा आपका, क्वेश्चन है प्रवीण बड़ी चतुर है तो बड़ी क्या है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है आपका प्रोविशेशन ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है ग्योम में मिलन होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, इसमें जो जमा नो होगा आपका, ठीक है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो अब हम चलेंगे इंग्लिश सेक्शन के ऊपर, तो क्वेश्चन है 26 चूज द राइट सेंटेंस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है वी रीच्ड सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज, तो करेक्ट होगा आपका यहाँ पर एडजेक्टिव ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो 28 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स, तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका आपका गाइज यहाँ पर विक्सन ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो 29th क्वेश्चन है यंग वन ऑफ शिप, तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका लैम ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन है वोकेशन, तो इसका करेक्ट आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपको जो है अल्टरनेटिव जो इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेसेस था सेम मीनिंग होता है, इसका मतलब भी सेम ही मीनिंग ही रहता है, ठीक है तो जो इसके बिल्कुल बेस्ट है सिमिलर, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑक्यूपेशन ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा संशय है इंपीरियस का, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा संशय है, गलत नहीं है, इसमें थोड़ा संशय है हमें, ठीक है इसे हम आपको गलत नॉलेज नहीं देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आपको जो है टेंस का यहाँ पर बताना था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है द लेसन इज ब्लैंक डिफिकल्ट, तो टू डिफिकल्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो 34 क्वेश्चन है ए वर्ड ऑफ नो लंगर इन यूज इज कॉल्ड, इसे कहते हैं हम ऑब्सोलीट ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35वां है आई लव माई बुक सो मच सो आई दैट आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक देम, तो इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए फ्रॉम। तो 36वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका डिसीव, इस तरह से लिखा जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो 37वां क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक वन आइड पर्सन, तो ए इसमें आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है इसमें ए आर्टिकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38वां है 38वां है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑडिसिटी, तो इसका करेक्ट होगा आपका बोल्डनेस बिल्कुल सही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा मैलिस का होगा आपका स्पाइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 40वां क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नरेशंस करेक्ट बताना था, तो करेक्ट आंसर बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो 41 जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मैं संशय है, तो आप इसे नेग्लेक्ट करें, ठीक है इसे आप ना गिने फिलहाल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा प्रोहिबिट का बैन होगा, ठीक है प्रतिबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और रिग्रेट का आपका आंसर होगा रिपेंट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको जो है सिनोनिम्स बताने देंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विम्सिकल का आपका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर अम्यूजिंग ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन नंबर 45 है इंटरमिटेंट का सही आंसर बनेगा आपके पास यहाँ पर आप ऑप्शन सी पेरियोडिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 46वां है ऑब्स्टिनेट का राइट आंसर बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी स्टबन, ठीक है स्टबन बिल्कुल सही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल का राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए चीफ बिल्कुल सही है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है राइट यहाँ पर आपको ब्लैंक फिलअप करने थे, तो क्वेश्चन है ही डील्स ब्लैंक स्टेशनरी, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इन ही डील्स इन स्टेशनरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां तो द टाइगर वाज किल्ड द हंटर, तो करेक्ट होगा बाय हंटर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, कई बच्चे यहाँ पर जो चूक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आएगा फ्रेंड्स, एट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ही इज़ वीक एट केमिस्ट्री, आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो उसके बाद हम चलेंगे जीके के ऊपर, जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर भूकंप का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विवर्तनिक बल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है, तो ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो वह चली थी बम्बे टू ठाणे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 16 अप्रैल 1853 को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जिन्होंने करा है बिल्कुल सही करा है, नाभिकीय विखंडन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी मांसाहारी भोजन के बारे में बताता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सतलुज नदी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है, तो फ्रेंड्स करेक्ट होगा आपके यहाँ पर आंसर, ऑप्शन ए सिरमौर जिले में है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धामी गोलीकांड हुआ था, जो आपका हुआ था यहाँ पर 1939 में, वो था आपके आपकी भागमल सोटा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है, तो फ्रेंड्स कालिंदी जो है यमुना नदी का वैदिक नाम है। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूतनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मंडी में है। जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पर है, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपका हैदराबाद में स्थित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो पत्ता का जो रंग होता है हरा किस कारण से होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है क्लोरोफिल के कारण, याद रखिए आप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क एचपी के अंडर, तो ये कहाँ पर है, ये तो आपका हिमाचल प्रदेश में ही है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके पास यहाँ पर, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन है, तो चनियानी नाशरी सुरंग है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है, तो वह आपकी रोहतांग सुरंग 8.8 किलोमीटर है, अभी उसका उद्घाटन होने वाला है बहुत ही जल्द ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, छोटी आंत ठीक है। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी पाणिनि, तो बिल्कुल सही है, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक जो है ग्रंथ लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शुक्र ग्रह। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो शुक्र ग्रह है सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहते हैं, और सौंदर्य की देवी भी कहते हैं, ये फैक्ट आप याद रखने हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है, तो फ्रेंड्स चमगादड़ जो है आपका स्तनपाई में आता है ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ठीक है। हालांकि यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी हो सकता है, क्योंकि शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ पाता है क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज्यादा होता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा डॉट लग रहा है, लेकिन खासा चांस मेरे को लग रहा है कि चमगादड़ का होना चाहिए। तो आप बताइए फ्रेंड्स आपके अनुसार क्या आंसर है, आप सर्च करिए कहीं से पता करिए, लेकिन आप पता करिए, आप फिर कमेंट करके बताएं, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पिन करके रख दूंगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, उतने टफ नहीं है यहाँ पर। तो कुफरी जीवन कुफरी ज्योति आलू की किस्म है, ऑप्शन सी। तो दांतों के सबसे भारी परत को कहते हैं हम एनिमल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा गाइस। तो जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वतों को क्या कहते थे, फ्रेंड्स इसे कहते थे मैनाक पर्वत, ऑप्शन ए सही होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, 100 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 22 मार्च को विश्व जल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर तो अवश्य कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको मैथ का भी सेक्शन चाहिए तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।